दोस्तों, अभी तक ना आपने जितनी भी YouTube पे वीडियोस देखी हैं गॉड बूस्ट थ्रॉटल कंट्रोलर के लिए, सब में जो है वर्बल बातें करी गई हैं। इनफैक्ट मैंने इतनी वीडियो बनाई है, हमेशा मैंने वर्बली आपको समझाया है कि किस तरह से इसकी वर्किंग है। बहुत से लोग अभी भी इतनी वीडियोस देखने के बाद अभी भी ऐसे हैं जिनको विश्वास नहीं होता कि ये डिवाइस एक्चुअल में फेक है या रियल में वर्क करता है। कितनी बार मैंने एक्सप्लेन किया, बट अगेन वो वर्बल एक्सप्लेनेशन थी। बहुत लोग समझ जाते हैं, बहुत लोगों को वो बेसिकली एक फेक इन्फॉर्मेशन लगती है। लेकिन आज की वीडियो में मैं कुछ वर्बल बातें नहीं करने वाला हूँ, उस सेंस में मैं आपको एक लाइव प्रैक्टिकल टेस्ट दिखाने वाला हूँ। हम डायरेक्टली बात करेंगे गाड़ी के ईसीयू से, और ईसीयू ही बताएगा कि किस तरह से गॉड बूस्ट थ्रॉटल कंट्रोलर जो है वो वर्क कर रहा है। और आज की वीडियो देखने के बाद ना आपको थोड़ा सा ये भी आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से मॉडर्न कार्स में जो हमारा एक्सेलरेटर पैडल है और जो थ्रॉटल कंट्रोल है वो दोनों किस तरह से सिंक में होके वर्क करते हैं। सो हे गाइस एंड वेलकम टू द चैनल, दिस इज अभिषेक एंड यू आर वॉचिंग मुंडा टॉप नॉच। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो को। चलांगे मुंडा टॉप नॉच, ओ गाड़ी दा क्रेज नी वे पहाड़ा दे राते, फील द ड्राइव नी वे। तो आज के टेस्ट के लिए ना सबसे पहले मैं अपनी गाड़ी में लगाता हूँ ये OBD2 पोर्ट स्कैनर, OBD2 पोर्ट में। अब ये डिवाइस जो है क्या है, कैसे वर्क करता है, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, उसका मैं लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर लेना। बट ये मस्ट हैव डिवाइस है, हर कार ओनर के पास होना चाहिए। तो सबसे पहले काम करते हैं, इसको लगाते हैं अपनी गाड़ी की पोर्ट में। तो हमारा OBD2 पोर्ट स्कैनर लग गया, अब गाड़ियों करते हैं स्टार्ट। तो आपको पता होगा मेरी गाड़ी में एंड्रॉयड सिस्टम है, इसी में मैंने ऐप इंस्टॉल करी हुई है। आप चाहो तो अपने मोबाइल में भी कर सकते हो। दो ऐप होती हैं, टॉर्क प्रो और कार स्कैनर, जो कि अच्छी ऐप हैं। तो मैंने कार स्कैनर भी इंस्टॉल करी हुई है, टॉर्क भी करी हुई है। तो अभी के लिए कार स्कैनर को जो है हम ये ओपन करते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये ऐप जो बेसिकली प्रोसेस करने में, और उसके बाद जो OBD2 जो हमने स्कैनर लगाया है उसको डिटेक्ट करने में और उससे कनेक्टिविटी मेंटेन करने में। तो लेट्स वेट। ठीक है, तो अब हम करते हैं कनेक्ट। अब देख रहे हो कनेक्टिंग टू ELM 327 अडेप्टर। ठीक है, हमारा ELM कनेक्शन कनेक्टेड हो गया, ECU से कनेक्शन अब मेंटेन हो रहा है, ECU भी जो हो गया वो कनेक्टेड। तो अब हमें क्लिक करना है ये जो ऑप्शन है ना ऑल सेंसर्स, इस पे क्लिक करना है। तो अब ये गाड़ी के जो जितने भी तमाम सेंसर्स हैं जो कि ECU से जिसकी रीडिंग हम ले सकते हैं वो सबकी इंफॉर्मेशन यहाँ डिस्प्ले होने लग जाएगी। तो बहुत कुछ दिखता है इस पे, बट उसके बारे में हम आज बात नहीं कर रहे हैं। हम सीधा चलते हैं थ्रॉटल, जो इन्फॉर्मेशन थ्रॉटल से रिलेटेड दिख रही है बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर आके थोड़ा सा फ्रीज कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। बिल्कुल, तो अब ये आप शुरू के दो देखें, एब्सोल्यूट थ्रॉटल पोजीशन और एब्सोल्यूट पैडल पोजीशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एब्सोल्यूट पैडल पोजीशन। एब्सोल्यूट पैडल पोजीशन जिसकी वैल्यू अभी 15% आ रही है, उसका मतलब यह है कि बेसिकली अभी पैडल जो हमारा एक्सेलरेटर पैडल जो है वो कितना फिजिकली प्रेस्ड है। अब ये क्योंकि डिफॉल्ट बेसिकली, क्योंकि कुछ हमारी एक डिफॉल्ट सेटिंग होती है, सेंसर जो कैलिब्रेट हो रखा होता है, तो जो बाई डिफॉल्ट हमारी रेनो ड्राइवर पे जो कैलिब्रेट हो रखा है वो रखा है अराउंड 14-15% पे, कि बाई डिफॉल्ट आपको इतना RPM मिलेगा ही मिलेगा। इसके बारे में भी मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा किस वजह से इसको अर्ली टॉर्क भी मिलती है, बट ये हम कह रहे हैं इसकी डिफॉल्ट सेटिंग है। और एब्सोल्यूट थ्रॉटल पोजीशन ये बताता है कि जितना आप एक्सेलरेटर को पंजा दबा रहे हो, देख रहे हो जितना दबा रहे हो, उसके दबाने पे जो हमारा एक्चुअल थ्रॉटल होता है जो कि हमारे इंजन वाले एरिया में होती है, थ्रॉटल की जो ओपनिंग होती है वो कितना ओपन होती है। तो अभी बाय डिफॉल्ट सेटिंग में बोल रहा है 15% जो है पैडल प्रेस्ड है और लगभग 13% जो है हमारी उसकी थ्रॉटल की ओपनिंग है, और वही ओपनिंग डिसाइड करती है कि कितना एयर फ्यूल मिक्सचर जाएगा और गाड़ी का पिकअप कैसा रहेगा। तो अब इस टेस्ट को करने के लिए सबसे पहले हम गॉड बूस्ट में स्विच हो जाते हैं नॉर्मल मोड में। तो आप देखो मैंने अपनी इसको गॉड बूस्ट को नॉर्मल मोड में जो है वो स्विच कर दिया है। बेसिकली नॉर्मल मोड का मतलब है कि OEM सेटिंग, कि बेसिकली गॉड बूस्ट जो है वो वर्क ही नहीं करेगा। जैसे बाय डिफॉल्ट हमारी रेनो ड्राइवर या कोई भी गाड़ी आती है कंपनी से डिलीवर होती है उसी सेटिंग में वर्क करेगा। तो सबसे पहला टेस्ट हम उस पे करते हैं। तो अब हमारी जो नॉर्मल मोड में सेटिंग है एब्सोल्यूट पेडल पोजीशन, जो हमारा एक्सेलरेटर का पोजीशन है वो 15% प्रेस्ड है और जो हमारा थ्रॉटल जो है वो 13% पे है ओपनिंग जो है उसकी। अब मैं काम करता हूँ, मैं हल्का सा ना एक्सेलरेटर देता हूँ,
देखते हैं वैल्यू कैसे स्विच होती है। तो हमें बस इन्हीं दो पैरामीटर पर फोकस करना है, पैडल पोजीशन और थ्रोटल पोजीशन पे। तो अब देखो पैडल पोजीशन मेरी गई 23%, लेकिन थ्रोटल जो है 19%। पैडल पोजीशन गई 25, वो 23% थ्रोटल जो है। समझो 25% मेरा पैडल प्रेस होने के बाद भी मेरा जो थ्रोटल की जो ओपनिंग हुई है वो लगभग 22-23% हुई है। तो के उसके बेस पे ये एयर फ्यूल मिक्सचर डिसाइड कर रहा है, जो कि हमारी OEM सेटिंग है। अब मैंने एक्सेलरेटर से पंजा हटा दिया तो वापस देखो उसी सेटिंग में पहुंच गया, पैडल पोजीशन 15, थ्रोटल पोजीशन 14%। अब एक काम करते हैं, इसको स्विच करते हैं सबसे पावरफुल मोड में, रैली मोड में। आजा भाई। हाँ, लर्नर रैली, ठीक है। पंजा भी मैंने प्रेस नहीं करा हुआ, और यहां पर भी आपको पता लग रहा होगा कि जो हमारा जो पैडल पोजीशन है वो 15% है, और जो थ्रोटल पोजीशन है वो अभी भी 13-14% ऐसे ही है, 13% है। अब एक काम करते हैं, अब मैं करता हूं पंजा प्रेस, और अब देखना ये वर्किंग जो है एब्सोल्यूट थ्रोटल पोजीशन कैसे बढ़ता है। देख रहे हो 20% दबाने पे जो हमारा थ्रोटल जो है वो 34% ओपन हो रहा है। समझो ऑलमोस्ट डबल ओपनिंग है उसकी। नॉर्मल मोड में वो लीनियर है, मतलब जितने परसेंट आपका पैडल दबा है लगभग उतना ही, उससे थोड़ा सा कम जो है वो थ्रोटल ओपन हो रहा है, बट यहां पर ऑलमोस्ट डबल ओपनिंग हो रही है। यही है, दैट इज द पावर ऑफ गॉड बूस्ट। मतलब इट्स अ वेरी वेरी सिंपल डिवाइस, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बट उसको समझना हमें थोड़ा सा जरूरी है कि वो किस तरह से वर्क करता है। एक बार और देखो, 15 पे 23%। अब वो जो थ्रोटल जो है, थ्रोटल की जो ओपनिंग है वो ज्यादा बड़ी है, तो एयर फ्यूल मिक्सचर ज्यादा जाए इसी वजह से जो है पिकअप एकदम से ज्यादा मिल जाता है। और ये चीज आपको आरपीएम में देख के भी समझ आ जाएगी। देखो यहां पर है 14%, 19%, और आरपीएम देखो कहां पहुंच गए, ऑलमोस्ट 5000 टच कर जाते हैं रैली मोड में। मैं दोबारा करता हूं, एक बार दोबारा पंजा दबाता हूं, डिफॉल्ट में पहुंच गया है। और अभी आप देखना ये देखो 50%, और वो सीधा 70% पहुंच गया हमारा जो थ्रोटल की ओपनिंग जो है। अब एक काम करते हैं, यही करते हैं इसको इको मोड में, इकोनॉमी मोड है बेसिकली, जिसमें बेसिकली पिकअप जो है थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। ये हमारा आ गया इको मोड में। डिफॉल्ट सेटिंग है पैडल पोजीशन वापस 14% है, थ्रोटल 13% है। और देखो अब मैं देता हूं पंजा, पैडल पोजीशन 22, थ्रोटल देखो 16%। समझ रहे हो, जिस बेसिकली रेशो में हम पंजा दबा रहे हैं एक्सेलरेटर पे, उस रेशो में थ्रोटल ओपन नहीं, और इनफैक्ट थ्रोटल दब रहा है। उसके दबने से क्या हो रहा है, उसकी ओपनिंग इतनी नहीं हो रही, तो एयर फ्यूल मिक्सचर कम जा रहा है, कम जग रहा है, फ्यूल कम लग रहा है, थोड़ा पिकअप कम आ रहा है, लेकिन माइलेज आपको ज्यादा मिलेगी। मैं दोबारा करता हूं, देखना देखो 21% पे 14%, 22 पे 19 हो गया, मतलब वापस 18%। इस तरह से जो है हमारा इको मोड में जो है ये वर्क कर रहा है। अब एक काम करते हैं, एक मोड और ट्राई कर लेते हैं, हम करते हैं रेस मोड पे ट्राई, वो भी थोड़ा सा पावर मोड है। रेस मोड में हमारी सेट हो गया, इसमें देखते हैं क्या कहानी है। डिफॉल्ट सेटिंग है 15 और 13। चलो जी वापस करता हूं पंजा, करते हैं प्रेस। देखो 22 पे 25 23 पे 25 26, समझ रहे हो, पंजा हम कम दबा रहे हैं, थ्रोटल ज्यादा ओपन हो रहा है, आरपीएम उसी हिसाब से बढ़ रहा है। आरपीएम भी मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो आरपीएम पे देखने के लिए हम क्लिक करते हैं डैशबोर्ड पे, तो ये हमारा आरपीएम मीटर आ गया। ये भी देखो आरपीएम यहाँ पर दिखा रहा है, डिजिटल में भी 800 आरपीएम पे है। अगर हम यहाँ देखें तो लगभग 1000 दिखा रहा है, क्योंकि इसमें डिजिटल नहीं है, जस्ट एक मार्कर है। तो भी लेकिन ये करेक्ट दिखा रहा है, ये ईसीयू से आ रहा है कि आरपीएम जो है आइडियल स्टेट में, पंजा प्रेस नहीं है, तो लगभग हमारा 800 है। और एक काम करते हैं, इसको वापस कर देते हैं नॉर्मल मोड में। तो ये हमारा आ गया नॉर्मल मोड में, और अब बिल्कुल हल्का सा पंजा दबाऊंगा मैं, और ये आप मेरी ऑनेस्टी पे बिलीव करना कि हर मोड में मैं उतना ही दबाऊंगा, क्योंकि अब आपको पता नहीं लग पाएगा, बट इस पे बिलीव करना। तो ये देखो मैं हल्का सा पंजा दबाता हूँ, और आरपीएम देखो कैसे जाते हैं, ये चला गया 1800 2000, इस तरह से पंजा मैंने अच्छा खासा दबा दिया, 25% के करीब होगा, लेकिन इस तरह से ये जा रहा है, मतलब लगभग 2000 के करीब पे जाके रुक रहा है। इधर भी देखो ऐसे ही दिखा रहा है 2200 के आसपास। अब यही हम इसे स्विच करते हैं रैली मोड में। ये आ गया रैली मोड में, और देखना पंजा मैं उतना ही दबाऊंगा, और यहां पर बस आरपीएम की कहानी देखना अब क्या होगा। देख रहे हो 5000,
इनफैक्ट उतना पंजा भी मैंने नहीं दबाया, हल्का सा पंजा रखा ही था कि 5000 रुपए भाग गया। क्यों भागा? ये इसी वजह से भागा, जो हमारा जो थ्रॉटल है उसकी जो ओपनिंग है वो एकदम से वाइड ओपन हुई, वाइड ओपन हुई, तो अगेन एयर फ्यूल मिक्सचर बहुत ज्यादा गया और आरपीएम उसी हिसाब से बढ़े और गाड़ी एकदम से भागी, टॉर्क जो है बहुत ज्यादा मिल गई गाड़ी को, इसी वजह से पिकअप जो है वो बहुत ज्यादा मिल गया। तो दोस्तों आई होप अब आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे, कोई फेक डिवाइस नहीं है, एक्चुअल में वर्क करता है। मतलब इससे ज्यादा ना टेक्निकल एनालिसिस और प्रैक्टिकलिटी में मैं दिखा नहीं सकता था और मुझे नहीं लगता कि किसी और ने भी YouTube पे ऐसा दिखाया है। और हाँ, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था यार, अगर अभी तक आपने गॉड बूस्ट थ्रॉटल कंट्रोलर नहीं खरीदा लगवा लो यार, इट्स माय पर्सनल रिकमेंडेशन, बहुत ही बढ़िया डिवाइस है, गाड़ी से कोई छेड़छाड़ नहीं होती और गाड़ी को आपकी रॉकेट बना देता है और माइलेज भी अच्छी देता है। और लिमिटेड टाइम की ऑफर चल रही है गॉड बूस्ट की तरफ से, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इनकी वेबसाइट से आप परचेज करो, मेरा कूपन कोड लगा लो जो कि है कैपिटल में मुंडा टॉप नोच, अगेन इट्स इन कैपिटल लेटर्स मुंडा टॉप नोच, आपको मिल जाएगी 6 महीने की एडिशनल एक्स्ट्रा वारंटी। लिमिटेड टाइप ऑफर है, कब तक रहेगी मुझे नहीं पता, बट जब तक है उसका फायदा उठा लो क्योंकि ये एक मस्ट हैव डिवाइस है। ऑलमोस्ट 1.5 साल होने वाला है मैंने लगा रखा है यार, एक नंबर परफॉर्मेंस है। तो चलो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको आज का ये जो मेरा छोटा सा टेस्ट था ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को दे देना थम्स अप, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से, और अगर जुबान फंबल हो रही है यार, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई, और अगर चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो दोस्तों अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, टिल देन इज योर फ्रेंड मुंडा टॉप नोच साइनिंग ऑफ, हैप्पी राइडिंग एंड हैव अ सेफ जर्नी फॉर ट्रैवलिंग गाइस, जय हिंद जय भारत।